सिरिल रुडारिया में जहां एक तरफ तेजो ठीक हो गई है, वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन की सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन तेजो ये मानने को तैयार नहीं थी कि दरअसल गलती फतेह की नहीं है। इसी बीच आपने देखा होगा कि रूपी जो तेजो के पिता हैं, वो समझाते नजर आते हैं कि दरअसल उस हादसे का जिम्मेदार अंगद मान था। जी हाँ, रिसेंट रोम में आपने देखा ही होगा कि इस तरह से एक तरफ फतेह को डंडे से पीटती हुई नजर आती है तेजो। वो उस पर गुस्सा निकालती है उनके बच्चे के लॉस का और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया और तुम फिर भी हिम्मत करके मेरे सामने खड़े हो। जी हाँ, एक तरफ तेजो फतेह को पीटती हुई नजर आती है, दूसरी तरफ रूपी जो कि तेजो के पिता हैं, वो समझाते हैं कि अंगद मान की गलती थी। इसके बाद आप देखेंगे कि तेजो दरअसल शर्मिंदा होती हुई नजर आएगी जब उसे इस बात का एहसास होगा कि फतेह की गलती नहीं है, उल्टा फतेह तो उसे 9 महीनों से बच्चों की तरह संभाल रहा था, उसकी चोटियाँ बना रहा था, उसकी केयर कर रहा था और उसके लिए अपने परिवार के साथ साथ उसके परिवार से भी लड़ाई कर रहा था। जब तेजो को रूपी ये बताएगा कि मेंटल असलम जाने से फतेह ने तेजो को रोका था, तो इस पर तेजो को खुद पर गुस्सा आएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा सीरियल के आने वाले अपडेट में।